मुंबई का एक फेमस ग्रुप 07 जो कि रातों रात फेमस हो गया टिकटॉक म्यूजिकली वीडियो बना के, बात करने के लिए मौजूद है 07 ग्रुप। कैसा लग रहा है रातों रात फेमस हो गए आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग जो भी हुए अभी खुद के दम पे हुए, किसी के नाम से नहीं, हम लोग खुद अपने नाम से जाने जाते, तो ये बहुत खुशी होती है। रातों रात फेमस हो जाना, एक मस्ती का मूड टिकटॉक म्यूजिकली हर जगह, क्या लगता है? बहुत मज़ा आती है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हम लोग शुरुआत में मतलब मस्ती मजाक में ही वीडियो बनाते थे, फिर धीरे 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 ग्रुप हम लोग का ग्रुप लोगों को पसंद आने लगा, तो हम लोग एक साथ यूनिटी बना के हम लोग पाँचों कभी अभी तक का तो कुछ हुआ नहीं। ऊपर नीचे लोग पब्लिक बोलती है कि लोग में झगड़ा चल रहा है, ये वो, ऐसा तो कुछ होता रहता नहीं। हम लोग देखते हैं, हम लोग उन लोग वायरल करते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है, और कोई टेंशन नहीं हम लोग को। तो वैसे तो फैन फॉलोइंग बढ़ गई, क्या कहना चाहिए? फैन फॉलोइंग बढ़ गई तो बहुत अच्छा लगता है, मगर उससे ज़्यादा हम लोग को अच्छा ये लगता है कि हम लोग की लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई एकदम। ग्रुप में सबसे ज़्यादा मस्तीखोर कौन है? ये तो अलग, मूवी देखने भी जाते हैं ना, स्पेशल डांसर चालू आवाज ये। दो दिन पहले दानिश जैन जो कि फेमस यूट्यूबर था, उसकी मौत हो गई कार एक्सीडेंट में। 07 कंट्रोवर्सी में आ गया कि ये लास्ट राइड या कब्रिस्तान, ये नहीं पहुंचे या देखने भी नहीं आए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखो, जो लोग ऑब्जेक्शन उठाए हैं तो हम लोग उन लोगों को दिखाने के लिए नहीं कहते, अल्लाह जानता है, और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो लोग जानते हैं कि हम लोग थे कि नहीं। हम लोग गए थे वहाँ पे और पीछे के रास्ते से गए थे, और हम लोग ने स्टोरी भी डाले, बहुत से लोग ने ऑब्जेक्शन उठाए और अब्यूज़ कर रहे हैं टिकटॉक पे कि इन लोग ने पोस्ट नहीं किए, तो पोस्ट करके ऐसे क्या बोलते अपना अपने आप को मतलब बुरा लग रहा है, अगर आपको इतना ही मतलब गिल्टी फील हो रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया दानिश जैन का, तो आप उसको ना उसके लिए दुआ करो, मगफिरत की दुआ करो। वीडियोस बना के, डुएट बना के, झूठे आंसू निकाल के, ये सब उसको सुकून नहीं मिलेगा। आप उसके लिए दुआ करोगे मगफिरत की, तो वो उससे उसको सुकून होएगा। फेमस हो गए आप लोग, चलो ठीक है, बात तो ठीक थी, लेकिन आप लोग फेमस हो चुके हो आज, हर जगह जहाँ आप जाते हो तो फैन फॉलोइंग, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, और कोई आप लोग को पकड़ रहा है, फोटो सेल्फी खिंचा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ग्रुप का क्या मैसेज जाएगा पूरे मुंबई या इंडिया के लिए, क्या मैसेज रहेगा आपके फैन फॉलोइंग? मैसेज बस एक ही जाएगा, जो दानिश जैन का भी मैसेज था, रिसेंट ब्लॉग उसका भी अभी टिकटॉक पे वायरल हो रहा है, कि आप किसी से जलो मत, बराबरी करो। ये उसका ब्लॉग एक रिसेंटली अभी मैंने अभी सुबह में ही देखा कि वायरल है, जलो मत बराबरी करो। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जलो मत बराबरी करो, और अपना एक एम, एक चीज़ फोकस कर लो, एक टारगेट बैठा लो कि आपको यहाँ पहुँचने का और ये चीज़ करना है, तो ही आप कामयाब होगे। आप कभी सोचोगे कि 07 का नाम ख़राब करके, उन लोगों को अब्यूज़ करके, उन लोगों को नीचे दिखा के मैं फेमस होऊंगा, तो कभी आप कामयाब नहीं होगे। एक फेमस आप लोग का टिकटॉक या म्यूजिकली का कोई ऐसा परफॉर्म करना चाहेंगे हमको बताना? यहाँ पे अभी कहाँ परफॉर्म करेंगे, अभी तो कल से तो हम लोग वीडियोज़ नहीं बनाए, आज भी नहीं बनाएंगे अभी तक का वीडियोज़ नहीं बनाए, अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग का मूड जब सही रहेगा तब भी नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मुझसे बात करने के लिए, आमिर खान। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new